नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में निशुल्क पुलिस पाठशाला का डीआईजी ने किया शुभारंभ। एसएसपी ने कहा, हर हाल में युवाओं को बनाएंगे सफल। सुल्तानगंज थाना के प्राइवेट जीप चालक हत्याकांड मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी ने 12 घंटे के अंदर किया हत्याकांड का खुलासा। बाबा भोलानाथ भक्त मंडल की ओर से निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा, जमकर झूमे श्रद्धालु। शहर को सुंदर बनाने में जुटा भागलपुर नगर निगम। तिलकामांझी चौक पर गार्डन निर्माण का कार्य हुआ शुरू। और मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी पहुंचे भागलपुर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड के ओपन थिएटर में रविवार को एक बार फिर पुलिस पाठशाला की शुरुआत हुई। पुलिस पाठशाला का शुभारंभ रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और पाठशाला से जुड़े शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शुरू की गई निःशुल्क पाठशाला में एसएसपी आशीष भारती के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। रविवार से शुरू की गई पुलिस पाठशाला में विशेष रूप से अब दरोगा बहाली की लिखित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले 200 से अधिक प्रतिभागियों को मेंस परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। वहीं पुलिस पाठशाला के शुभारंभ पर डीआईजी सुजीत कुमार ने एसएसपी आशीष भारती समेत टीम से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। डीआईजी ने कहा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस को केंद्र में रखना और रूटीन के अनुसार पढ़ाई करना जरूरी है। साथ ही रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने समय समय पर पुलिस पाठशाला में क्लास लेने की भी बात कही। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो भागलपुर पुलिस की पूरी टीम सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में पिछले विगत कई महीनों से जारी है। ये प्रयास इनका इसी प्रयास में इनके साथ बहुत सारे सम्मानित शिक्षकगण भी जुड़ गए हैं और ये पूरी टीम जो है बिना किसी स्वार्थ के इन बच्चों को मोटिवेट कर रही है, उनको प्रेरित कर रही है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ सार्थक करें। और उसी कड़ी में अभी आज करीब 253 बच्चे हमारे साथ हैं यहाँ पर, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा जो है सब इंस्पेक्टर्स के रिक्रूटमेंट का उसको क्वालिफाई किया है। ये पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें बच्चों को गाइड कर रहे हैं हम लोग कि वो अपने बेस्टम अपना एक शेड्यूल है उसके बीच में इस क्लास में आकर और यहाँ से जो टिप्स है वो लेकर और अच्छा कर सके। इस दौरान पुलिस कप्तान आशीष भारती ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया और स्मार्ट हार्डवर्क के साथ पढ़ाई पर फोकस करने की बात कही। अभी पुलिस जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत निःशुल्क पुलिस पाठशाला भागलपुर में जो चलाई जा रही है उसके तहत पिछली बार हमारे इसी जो इस पाठशाला से करीब 47 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और फाइनल सिलेक्शन हुआ था जो, और इस बार अभी तक 253 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में और उन सभी की क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। और हम लोग का ये सपना है कि सभी के सभी जो 253 बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाएं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो शिक्षकों की टीम है और जो हमारे बच्चे जितनी मेहनत करते हैं तो निसंदेह वो फाइनल सिलेक्शन सभी बच्चों का होगा। और इसमें जो प्रयास किया जा रहा है और इसे एक हम लोग का जो मेन मकसद है कि एक बेहतर समाज का निर्माण, उसमें सभी लोग अपना योगदान देते हैं। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि पुलिस पाठशाला के जरिए अब तक कई छात्र बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का परचम लहरा चुके हैं। वहीं शिक्षक रविकांत घोष, अजय कुमार यादव, डॉक्टर मुस्फिक आलम, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर राजीव सिंह और राजेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। जबकि शिक्षक सुनील कुमार, विनय कुमार, अखिलेश कुमार, शेखर पांडे और रवि शंकर चौधरी ने छात्र छात्राओं से कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की बात कही। पुलिस पाठशाला के दौरान शिक्षक अजय कुमार यादव ने अनुशासन को सफलता की पहली सीढ़ी बताई। वहीं टीम से जुड़े लोगों ने बताया कि भागलपुर पुलिस पाठशाला में आसपास के जिले से भी कई छात्र शामिल हुए हैं और यह बिहार की पहली पाठशाला है जिसमें सबसे अधिक छात्र सफल होते हैं। मौके पर अंशुमन, प्रताप कुमार, ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाने के प्राइवेट जीप चालक लाल बहादुर यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
रविवार को एसएसपी आशीष भारती ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर लाल बहादुर की हत्या की गई है। वहीं एसएसपी ने बताया कि हत्याकांड में शामिल गंगटी गांव निवासी मनोज यादव एवं पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा अभियुक्त गोपाल यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर एसआईटी की टीम ने महज 12 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हम आपको बता दें कि शनिवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के छोटकी पुल के समीप अपराधियों ने जीप चालक लाल बहादुर की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों के बयान पर गांव के 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। कल दिनांक 15 तारीख को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के छोटकी पुल के पास एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान लाल बहादुर जो कि नारायणपुर गांव का रहने वाला है उसके रूप में की गई थी। और जो मृतक की माँ है उनके द्वारा 3 अभियुक्तों के विरुद्ध आवेदन दिया गया है, जिनके द्वारा आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हीं 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम है मनोज यादव और पंकज यादव, जो कि ग्राम गंगटी का ही रहने वाला है, जो कि घटनास्थल के पास का ही है। और इन दोनों अभियुक्तों के बारे में यह जानकारी मिली है कि पूर्व से इन लोगों के बीच में आपसी विवाद चला आ रहा था, और इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया और वहाँ पे डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, और एफएसएल की टीम के द्वारा इन दोनों से जो नाखून है उससे भी सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें ब्लड के सैंपल्स होना पाया गया है, जिसके आधार पर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। महाशिवरात्रि से पूर्व बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से रविवार को गौशाला परिसर से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे एवं बैंड के साथ निकाली गई निशान यात्रा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए और बाबा बूढ़ानाथ का निशान हाथों में लिए स्टेशन चौक, मुख्य बाजार, खलीफाबाग चौक, दीपनगर चौक होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे, जहां प्रयाग से लाए गए गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक किया गया। बूढ़ानाथ भक्त मंडल के महासचिव नितिन भुवेनिका ने बताया कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए पिछले 7 वर्षों से निशान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बाद निशान यात्रा भागलपुर में पिछले 7 वर्षों से निकाली जा रही है। वहीं शोभा यात्रा के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं निशान शोभा यात्रा की कुछ झलकियाँ। भागलपुर नगर निगम चौक चौराहे को सुंदर बनाने की तैयारी में जुट गया है। निगम ने सौंदर्यीकरण की शुरुआत तिलकामांझी चौक से की है। निगम प्रशासन द्वारा चौक के समीप गार्डन बनाया जा रहा है। नगर निगम जिस स्थान पर गार्डन बना रहा है उस जगह पर पहले निगम का मार्केट था, वहीं चौक को सुंदर बनाने के लिए गार्डन का निर्माण कार्य जारी है। नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि 7 लाख की लागत से गार्डन का कार्य हो रहा है, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उपनगर आयुक्त ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गार्डन में और फूल पत्ती लगाने की बात कही। बीटिफिकेशन का काम हम लोग पार्क का साइज बड़ा होता है, वो चूंकि हम लोगों के नगर निगम की ही दुकानें बनी थी और हम लोग
स्मार्ट सिटी के तहत रोड चौड़ीकरण के लिए उसको हटाया था और आगे चूँकि रिमझिम होटल का माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, उसका डिसीजन नहीं आया है। इसी क्रम में बहुत सारे लोग अवैध तरीके से वहाँ कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में हम लोगों ने वहाँ वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ किया है और हमको लगता है कि 15 से 20 दिनों में काम पूर्ण हो जाएगा। उपनगर आयुक्त ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गार्डन में फूल पत्ती लगाने की बात कही। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। भागलपुर गौशाला परिसर में आयोजित भोले नाइट कार्यक्रम को लेकर रविवार को मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी भागलपुर पहुंचे। हंसराज रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भगवान भोले का नाम लेते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बिहार के भागलपुर में शो करने आए हंसराज रघुवंशी ने कहा कि उनका गाया हुआ भजन आज न केवल धूम मचा रहा है बल्कि रिकॉर्ड भी स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा भोला है भंडारी, करे नंदे की सवारी पार्ट 2 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा हंसराज रघुवंशी ने अपने गायक गीतों को भी गुनगुनाया। भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। जय शंकर। उसके बाद भोला भंडारी 2 आएगा, उसका पार्ट 2 आएगा, हम दोनों भाई का, उसमें हिमाचली वाला कल्चर भाई गाएंगे और हिंदी वाला सारा मैं गाऊंगा। और ये आज यहाँ पर हमें भागलपुर में बुलाया, सुरेश जी हैं इनका नाम। हाँ, सुरेश वर्मा जी, ये कर्ण कुश भाई है ना भाई, कर्ण और कुश भाई ने हमें आज यहाँ भागलपुर में पटना में बुलाया, बहुत अच्छा लगा यहाँ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राना की बेटी फैजिया राना शनिवार को भागलपुर पहुंची। भागलपुर पहुंचते ही फैजिया राना सबसे पहले कबीरपुर में चल रहे धरना स्थल पर गई और लोगों को संबोधित किया। फैजिया ने कहा कि सरकार देश में CAA, NRC और NPR लाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। मुनव्वर राना की बेटी ने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। इस दौरान संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले चल रहे धरना को खानकाह पीर दमड़िया के उपसज्जादा नशीं सैयद शाह फकरे आलम हसन, मुफ्ती खुर्शीद अनवर समेत कई लोगों ने संबोधित किया। पर योगी सरकार ने मुकदमे किए, हमारे ऊपर धारा लगाई 145, 147, 188, 283, 353। हम डरते नहीं है योगी जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो समय है, वो अवॉर्ड है हमारी क्रांतिकारी होने का, वो आंदोलनकारी होने का अवॉर्ड है। मैं कहती हूँ कि मैं ही किसी की बीवी हूँ, माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ कि अगर आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे मैं मार भी दी जाऊँगी, तो फख्र से मेरी नस्लें कहेंगी कि देश के काम आई संविधान बचाने में जान गई। तिलकामांझी जी भागलपुर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के पूर्व कर्मचारी गोलबंद होने लगे हैं। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनेट सदस्य बलराम सिंह की सीनेट सदस्यता समय से पूर्व ही समाप्त कर दी, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। शनिवार को सीनेट सदस्य ने कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह को आवेदन देकर किए गए निर्णय को गलत बताया और सदस्यता सीनेट बहाल करने की मांग की। बलराम सिंह ने बताया कि समय से पूर्व सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। इधर कर्मचारियों ने कहा कि मामले पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कहलगांव के एसडाइक एरिया में भू विस्थापियों द्वारा NTPC के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है।
धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भू विस्थापित संत के दीप नारायण पासवान कर रहे हैं। प्रदर्शन में जदयू जिला महासचिव अभिमन्यु सिंह ने कहा कि एनटीपीसी स्थानीय बेरोजगार भू विस्थापियों को नौकरी दे। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी प्रत्येक संवेदक को 10 लाख का कार्य दे, साथ ही ग्रामीण विकास तथा विद्यालय, सड़क, शौचालय की भी व्यवस्था करे, नहीं तो आंदोलन और उग्र की जाएगी। धरना प्रदर्शन में मोती आलम, अर्जुन मंडल, कृष्ण सिंह समेत काफी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। कहलगांव विधानसभा के सनौला प्रखंड में लोजपा के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व लोजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने किया। मौके पर महासचिव परमजीत सिंह ने बताया कि रमासी, फाजिलपुर, महियामा, करहरिया, सकरामा सहित दर्जनों गाँव में पार्टी के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया। मौके पर दलित सेना प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र पासवान, पंचायत अध्यक्ष दिलीप कुमार, आलोक रंजन, राजहंस कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र स्थित महादेव स्थान में चल रहे भागवत कथा के दूसरे दिन परमात्मा के संपूर्ण अवतारों की विस्तृत चर्चा की गई। वृंदावन से आई साध्वी रितेश्वरी ने कहा कि भगवान जीवन के उद्धार हेतु किसी भी रूप में आ सकते हैं, मनुष्यों को सदा सद्भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसारिक सुख वास्तव में कुछ नहीं है। कथा श्रवण करने के लिए राजेंद्र यादव, नागेंद्र यादव, मुखिया सुभाष भगत सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में निशुल्क पुलिस पाठशाला का डीआईजी ने किया शुभारंभ। एसएसपी ने कहा हर हाल में युवाओं को बनाएंगे सफल। सुल्तानगंज थाना के प्राइवेट जीप चालक हत्याकांड मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी ने 12 घंटे के अंदर किया हत्याकांड का खुलासा। बाबा बुलानाथ भक्त मंडल की ओर से निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा, जमकर झूमे श्रद्धालु। शहर को सुंदर बनाने में जुटा भागलपुर नगर निगम। तिलकामांझी चौक पर गार्डन निर्माण का कार्य हुआ शुरू। और मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी पहुंचे भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।